देखिए प्रश्न नंबर आठ में है, प्रश्न नंबर आठ, नौ और दस, इसमें तीन प्रश्न में हमको साइन एक्स बटे दो, कॉस एक्स बटे दो और टेन एक्स बटे दो ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या है, प्रश्न नंबर आठ में दिया है टेन एक्स बराबर माइनस चार बटे तीन, और बोला है यक्स द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हमको देखिए पहले टेन अगर हमको दिया है तो हम पहले इसका कॉस ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो कॉस ज्ञात कर, देखिए इसमें क्या है, अगर हम ये बटे दो करेंगे ना तो हमको ये वाला सूत्र का जरूरत पड़ेगा, कॉस टू एक्स बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो अगर हम देखें जैसे माने टू एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स होता है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं कॉस एक्स वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बटे दो हो जाएगा, है ना। टू एक्स है तो एक्स हो गया, बटे दो हो गया, तो यहाँ भी एक्स है तो एक्स बटे दो हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हमको पहले इससे देखिए कॉस ज्ञात करेंगे। देखिए अगर साइन का मान देखिए अगर इसको हम पक्षांतर कर लें तो ये हो गया टू साइन स्क्वायर एक्स बटे दो बराबर वन माइनस कॉस एक्स, ठीक ना। तो कॉस एक्स अगर हमको साइन स्क्वायर एक्स बाय टू के मान ज्ञात करना है तो हमको पहले कॉस एक्स ज्ञात करना होगा, ठीक ना। और अगर इसी प्रकार अगर इसमें हमको साइन का भी मान ज्ञात, एक साइन का मान निकाल लिया, कॉस का भी मान अगर कॉस के रूप में भी लिखना होता तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कॉस क्या होता है, कॉस टू एक्स बराबर टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस एक होता है। तो हम अगर इसमें कॉस एक्स बराबर लिखें तो ये जगह टू कॉस स्क्वायर एक्स बटे दो माइनस एक हो जाएगा, ठीक ना। तो हम कॉस स्क्वायर एक्स का अगर मान ज्ञात करें तो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बटे दो बराबर, तो देखिए इसको हम इधर भेज देंगे तो ये जाएगा वन प्लस कॉस एक्स, ठीक ना। तो ये टू को हम नीचे पक्षांतर कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बटे में कर लेंगे, तो केवल साइन स्क्वायर एक्स बाय टू और वर्ग का इधर करेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए हमको क्या है ना, साइन एक्स बाय टू ज्ञात करने के लिए हमको वन माइनस कॉस एक्स चाहिए, और इसी प्रकार अगर कॉस कॉस एक्स बाय टू ज्ञात करने के लिए भी कॉस एक्स ही चाहिए। तो हम इसमें देखिए टेन एक्स दिया हुआ है तो हम इसको कोशिश करेंगे पहले कॉस में बदलने के लिए। तो देखिए एक सर्वसमिका जैसे हमने पहले पढ़ा है तो लिखेंगे सर्वसमिका से देखिए वन प्लस, देखिए ये होता है सेक स्क्वायर एक्स बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो हम इसमें मान रख देंगे तो सेक का तो मान ज्ञात हो जाएगा, वन प्लस टेन का मान माइनस चार बटे तीन का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा वन प्लस सोलह बटे नौ, और नौ एक कम नौ और सोलह प्लस नौ ये हो जाएगा पच्चीस बटे ये नौ हो जाएगा, ठीक ना। और इसका वर्ग जब इस पर लगेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस करनी पच्चीस। तो इस प्रकार सेक एक्स बराबर प्लस माइनस पाँच बटे ये तीन आया। तो अब हम इसको डिसाइड करेंगे कि सेक प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि यक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक ना। तो द्वितीय चतुर्थांश में तो देखिए यहाँ पर ये चतुर्थांश है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो दूसरे चतुर्थांश में यहाँ पर देखिए केवल साइन होता है प्लस में, बाकी सब माइनस में होता है, ठीक ना। ऑल साइन टेन और कॉस, ठीक ना। तो इसमें साइन मतलब जो लिखा है वो प्लस होता है, बाकी सब माइनस में होता है। साइन और कॉसेक प्लस में होगा, टेन और कॉट प्लस में होगा, कॉस और सेक प्लस में होगा। तो हमको क्या चाहिए, द्वितीय चतुर्थांश में सेक माइनस में होगा, इसलिए लिखेंगे अतः सेक यक्स का मान ऋणात्मक होगा, ठीक ना। तो ये लिख देंगे सेक यक्स बराबर माइनस पाँच बटे तीन। तो देखिए सेक यक्स निकल गया, सेक का व्युत्क्रम कॉस होता है तो हम इसमें कॉस एक्स का भी मान ज्ञात कर लिए, तो माइनस तीन बटे ये पाँच आया।
ठीक ना। अब कॉस का मान आ गया, कॉस एक्स का मान -3/5 आ गया। अब हम इसमें से इसको ज्ञात करना, देखिए देखिए ज्ञात करते हैं, तो इसको मिटा लें। देखिए हम बस ये वाला रख दे रहे हैं, देखिए ये वाला मान और ये वाला, ठीक ना। तो अब देखिए हमको पहले पूरा थीटा एक्स दिया हुआ है और यहाँ हमको आधा चाहिए, है ना, एक्स बाई टू। तो देखिए चूंकि देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए ये जैसे बोला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये होता है जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई और ये 3π/2, ठीक ना, ये होता है। तो द्वितीय चतुर्थांश में है ना, द्वितीय चतुर्थांश में तो ये रहा दूसरा, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसमें थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, तो ये होगा यक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक ना, ग्रेटर देन ही होना चाहिए, है ना, यक्स का मान पाई बाई टू से बड़ा और पाई से छोटा। चतुर्थांश में लिखा है तो देखिए यक्स का मान बड़ा हो, बराबर हो पाई बाई टू से, और छोटा या बराबर हो पाई से, तो द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। अब देखिए यक्स हमको, हमने तो यक्स को इस तरह लिख लिया है ना, अंतराल में लिख लिया। अब यक्स बटे दो लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ भाग कर लेंगे, दो से भाग कर लेंगे, तो देखें यक्स बटे दो और यहाँ पाई बाई टू, और यहाँ बटे दो करेंगे तो पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक ना, बटे दो किया है ना, तो 1/2 मतलब पाई बाई फोर, तो ये हो गया। देखिए अब यक्स का मान कहाँ कहाँ वेरी किया, 45 से 90 के बीच में, ठीक ना, ये है 45 ही होता है और ये 90 होता है, मतलब हमारा यहाँ लाई कर रहा है लगभग, ठीक ना, 45 और 90 मतलब अगर हम यहाँ पाई बाई फोर लिख ले हैं तो यहाँ लाई करेगा, ठीक ना, मतलब यहाँ स्थित होगा, तो पहले चतुर्थांश में ही आ रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब तो देखिए यहाँ पर ये जैसे साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए ये होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये टू था और ये था 1 - cos x, ठीक ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बराबर 1 - और कॉस का मान रख देते हैं यहाँ पर, -3/5 लिखा है, -3/5 और बटे में ये जो दो था इसको यहाँ हमने लिख लिया, ठीक ना। अभी इसका ये, अब यहाँ जरूरत पड़ेगा प्लस माइनस चिन्ह लगाने में, ठीक ना, तो ये हो जाएगा इसको हल करेंगे तो 2 - मिलके प्लस हो जाएगा, 5 * 1 = 5 और 3 = 8, तो 8/5 और 5 नीचे चला जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और 2 * 4 = 8, 2 * 5 = 10, तो इस प्रकार 4/5 आया। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का मान आया, तो हम अगर साइन एक्स बाई टू करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस करनी 4/5 हो जाएगा, तो ये देखिए साइन एक्स 2 आया, एक प्लस और माइनस 2/5, ठीक ना, वो 4 का वर्गमूल 2 बन गया और करनी 5 लिखा है। अब यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि प्लस है साइन एक्स बाई टू का प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा, ठीक ना। तो देखिए हमने इसको इसलिए ज्ञात किया था कि x बटे दो किस चतुर्थांश में आया, तो ये पहले चतुर्थांश में आया है, तो इसका मतलब साइन, देखिए चूंकि साइन x बटे दो प्रथम चतुर्थांश, ऐसे लिख लेंगे, प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक ना, इसलिए साइन x/2 का मान धनात्मक होगा, ठीक ना। तो हमने तो देखिए यहाँ साइन का मान ज्ञात कर लिया, साइन एक्स बटे दो बराबर 2/5, ठीक ना, और कॉस का भी मान ज्ञात कर लेंगे, तो हम ये देखिए सब समीका लगा लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 लगा सकते हैं, उससे ज्ञात हो जाएगा, या तो अगर हम ये वाला सूत्र लगा लें, देखिए जो अभी हम लगाए थे 2 cos² x = 1 + cos x, ठीक ना, ये 2 को हम यहाँ नीचे भेज दे रहे हैं, ये 2 हो गया, ठीक ना, तो ये जाएगा cos² x = 1 + और देखिए cos का मान क्या आया था, -3/5, तो -3/5/2, तो 5 * 5 - है तो माइनस हो जाएगा, 5 * 5 = 5 में 3 गया तो
2/5, अब 5 नीचे आएगा तो 10 हो जाएगा, देख ये 5 हो गया, तो हो जाएगा कॉस एक्स बराबर करनी में 1/5 प्लस माइनस। तो देखिए कॉस एक्स 2 है का क्या माना जाएगा, तो जाएगा देखिए कॉस पहले चतुर्थांश में भी प्लस होता है, इसलिए 1/5 आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए साइन एक्स बाई 2 आ गया, कॉस एक्स बाई 2 आ गया, और अगर हमको टेन एक्स बाई 2 करना है तो हम यहीं पर ज्ञात कर लेते हैं, तो टेन एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, तो ये होता है साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2, ठीक ना। तो साइन एक्स बाई 2 का मान क्या आया है, वहाँ आया 2/5 बटे, और इसका आया 1/5। तो जब ये हल करेंगे तो ये देखिए ये कट जाएगा तो बचेगा 2, तो इस प्रकार टेन एक्स बाई 2 का मान 2 आया। तो हमको ये ज्ञात करना था और हमें ये ज्ञात करना था और हमें ये ज्ञात करना था, ठीक ना। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ये है कि एनसीईआरटी के बुक के जो आंसर दिया हुआ है, ये जो 2/5 लिया है हमने, तो यहाँ पे परिमेयकरण किया हुआ है, ठीक ना। तो ये परिमेयकरण करेंगे तो देखिए जाएगा 2/5 / 5, तो देखिए इसको आंसर दिया हुआ है। इसी प्रकार कॉस का मान जब करेंगे तो यहाँ परिमेयकरण करेंगे ए, तो ये हो जाएगा 5/5, ठीक ना। तो जब आप पीछे आंसर देखेंगे तो आपको यही दिखा लिखा हुआ है, और 10 का है तो 10 का 2 रहेगा ही, ठीक ना। तो अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, कॉस एक्स बराबर -1/3 और एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो ठीक ना। तो हमको साइन एक्स बाई 2 ज्ञात करना है, तो देखिए हमने इसको यहाँ लिखा था साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 - cos x/2, ठीक ना। या तो ये वर्ग लगेगा तो यहाँ पर ये वर्गमूल आ जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार कॉस एक्स बाई 2 ज्ञात करने के लिए करनी में 1 + cos x/2 था, ठीक ना। तो अब देखिए हमको ये कॉस का मान दिया ही हुआ है, तो हम यहाँ पर रख देंगे तो साइन एक्स बाई 2 का भी मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें लिख लेते हैं, अगर हम साइन एक्स बाई 2 ज्ञात करें तो ये लिखते हैं 1 - cos x/2, यहाँ मान रख देंगे साइन एक्स बाई 2, तो देखिए क्या हो जाएगा 1 - cos x का -1/3/2 हो गया। तो देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 3 + 3 और 1 = 4, 4/ और 3 नीचे चलाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो देखिए ये हो गया करनी 2/3, ठीक ना। तो ये प्लस माइनस में रहेगा, ठीक ना, वर्ग जाता है इस पर तो वर्गमूल बनता है, ये प्लस माइनस हो गया, ठीक ना। तो साइन एक्स बाई 2 बराबर, तो ये हो गया। अब देखिए इसको अगर आप चाहें तो परिमेयकरण कर लें, तो ये जगह देखिए करनी 2/3 लिखा हुआ है, तो हम करनी 3 से परिमेयकरण कर लें, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो जाएगा प्लस माइनस करनी 6/3 हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स बाई 2 आया है, अब हम देखिए यक्स का मान, यक्स तो मालूम है हमको तीसरे चतुर्थांश में है, और यक्स 2 किस चतुर्थांश में होगा वो देखेंगे हम। तो देखिए तीसरे चतुर्थांश में जाने के लिए 1, 2, 3, ठीक ना। तो यहाँ पर हम तीसरे में आने के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई है ना, पाई से 3π/2, ठीक ना, यही ना। तो ये हो जाएगा 3π/2, अब इसका आधा करेंगे तो जब x बाई 2 करेंगे तो जाएगा π/2 हो जाएगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 3π/4 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए आया किस में, तो π/2 क्या होता है, 90 होता है, और ये 3π/2 मतलब इसको हम डिग्री में बदल दें तो पाई का मतलब 180, तो इसको हल कर लेंगे 135 आएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 45, 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12, 13, 135 आ गया, ठीक ना। मतलब ये 90 से 135 लगभग ये दूसरे चतुर्थांश में यहीं पर आएगा, ठीक ना। तो दूसरे में ही आ रहा है ये x 2 दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, तो लिखेंगे चूँकि x 2 द्वितीय चतुर्थांश में है,
इसलिए साइन एक्स बाई टू का मान, देखिए साइन दूसरे चतुर्थांश में प्लस में होता है, का मान धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो हमको देखिए साइन एक्स बाई टू क्या प्राप्त हो गया, प्लस प्लस ले तो लिखने जरूरत नहीं, करनी 6/3 हो गया। तो हमको एक मान ज्ञात हो गया। कॉस का ज्ञात करेंगे तो देखिए कॉस का भी ज्ञात कर लेते हैं। तो कॉस के लिए ज्ञात कर लें, देखिए चाहे तो आप ये सूत्र लगा लीजिए, चाहे तो सर्वसमिका का प्रयोग कर लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है। तो इसी को लगा लेते हैं, देखिए कॉस एक्स बाई टू बराबर प्लस माइनस करनी में 1 प्लस कॉस एक्स बटे 2 हो जाएगा। तो प्लस माइनस करनी में और कॉस एक्स का मान रख देंगे, कॉस एक्स माइनस 1/3, तो माइनस 1/3/2। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में 1 कम हुआ तो 2, 2/3 × 2, ठीक ना, 3 भी नीचे पक्षांतर कर दिया, तो इस प्रकार देखिए 1/3 आएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ पर 1/3 लिख दे रहे हैं, 2 2 कट जाएगा तो 1/3 आया। तो देखिए कॉस एक्स 2 बराबर, अब देखिए इसमें चूँकि दूसरे चतुर्थांश में है तो कॉस दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होता है, इसलिए माइनस 1/3 लिखेंगे हम, ठीक ना। तो हमको देखिए कॉस एक्स बाई टू का भी मान आ गया, ठीक ना, और हमको टेन एक्स बाई टू चाहिए, तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे टेन एक्स बाई टू बराबर साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो साइन का मान कितना आएगा, देखिए साइन का मान क्या है, करनी 6/3 − 1/3, ठीक ना। तो ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो ये देखिए इसका गुणा इसमें तो 6 × 3 = 18/3 और माइनस में, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा, देखिए बाहर निकालेगा 3 × 9 = 18, 3 बाहर आ जाएगा तो माइनस करनी 3, बट ये हो गया देखिए, तो ये कट कर माइनस करनी 2 आ गया। तो टेन एक्स बाई टू का भी मान आ गया हमको, तो ये आ गया, देखिए माइनस में आया है दूसरे चतुर्थांश में, 10 माइनस में होता है, तो मतलब ये सही है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हमने हल कर लिया। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। देखिए प्रश्न ये जो 1/3 लिखा हुआ है, इसको अगर आप परिमेय करेक्ट करेंगे तो इसमें पीछे एनसीईआरटी की बुक में इस प्रकार का दिया हुआ है, इसको जब हम परिमेयकरण कर लेंगे, देखिए करनी 3/3, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस करनी 3/3, ठीक ना। तो ये आंसर दिया हुआ है, ये भी आंसर सही है, और ये अगर बुक से मिलाएंगे तो ये आंसर है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 हल हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं अब। तो देखिए साइन 1/4 लिखा है और x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना। तो हम इसके पहले देखिए साइन x बाई टू, कॉस x बाई टू और टेन एक्स बाई टू ज्ञात करने के लिए हम इसको पहले कॉस में बदलेंगे। तो हम देखिए सर्वसमिका का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर एक होता है सर्वसमिका से। तो साइन का मान दिया है तो हमको देखिए कॉस का मान ज्ञात हो जाएगा, बराबर 1 − sin²x। तो कॉस एक्स बराबर 1 − sin का मान रख देंगे 1/4 का वर्ग। तो ये इधर लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 16, ठीक ना, 4 × 16, 16 में 1 गया तो 15/16 आ गया। तो कॉस एक्स बराबर ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस करनी में 15, तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स बराबर प्लस माइनस करनी 15/4 हो गया। अब देखिए प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा, तो जी लिखेंगे चूंकि एक्स द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में कॉस माइनस में होता है, तो लिखेंगे कॉस एक्स का मान ऋणात्मक होगा। तो कॉस एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको, माइनस करनी 15/4, ठीक ना। कॉस का मान ज्ञात हो गया, अब हम इससे साइन एक्स बाई टू ज्ञात करेंगे। देखिए साइन एक्स बाई टू क्या होता है, साइन एक्स बाई टू
बराबर करनी में 1 माइनस कॉस प्लस माइनस यक्स बटे ये 2 होता है, ठीक ना। तो ये इससे हमने ज्ञात किया है, देखिए कॉस 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ आधा हो गया थीटा। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 हो जाएगा। तो इससे साइन स्क्वायर यक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, ठीक ना, इसको इधर पक्षाना था इसको उधर पक्षाना था, तो 1 माइनस कॉस एक्स। ये 2 नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स बटे 2। ये वर्ग इस पर भेजेंगे तो जाएगा साइन यक्स बाई 2 बराबर प्लस माइनस करनी में 1 माइनस कॉस एक्स बटे 2। तो यही मान हमने यहाँ फॉर्मूला रखा है। अब कॉस एक्स का मान रख देते हैं यहाँ पर तो देखिए क्या प्राप्त होगा, प्लस माइनस करनी में 1 माइनस कॉस एक्स का मान देखिए कितना है, माइनस करनी 15 बटे 4 और बटे ये 2 है, प्लस माइनस देखिए 2 माइनस में के प्लस हो गया और 4 एकम 4, तो करनी में 4 2 माइनस प्लस प्लस करनी 15 बटे ये देखिए नीचे जाएगा तो जगह 8 हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 का। अब देखिए इसको प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा, इसमें देखिए 8 है तो 8 का करनी के बाहर निकलेगा तो 2 करनी 2 बचेगा, ठीक ना। तो आप चाहें तो इसको इतना लिख सकते हैं, ये लिखे लिख दिया 4 प्लस करनी 15 बटे देखिए ये हो जाएगा 2 करनी 2, ठीक ना, 2 2 4 2 8 तो 2 का जोड़ा बन के 1 2 बाहर निकल जाएगा, इतना बचेगा। अब चूंकि एनसीईआरटी ने नीचे वाले का परिमेयकरण किया, नीचे कोई भी करनी नहीं छोड़ा है, तो हम क्या करेंगे इसको करनी 2 से ऊपर नीचे गुणा जाएगा कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक करनी 2 अंदर जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा 4 2 8 प्लस 2 करनी 15, ठीक ना, 2 का अंदर गुणा कर दिया और ये हो जाएगा तो 2 2 4 मतलब 2 2 2 हो जाएगा 2 तो बटे ये 4 हो जाएगा। तो देखिए साइन एक्स बाई 2 का मान ये प्राप्त हुआ। अब चूंकि ये प्लस होगा कि माइनस होगा तो इसको हम देख लेते हैं, देखिए इसको हम मिटा लेते हैं और मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, देखिए चूंकि यक्स किस में है, देखिए दूसरे चतुर्थांश में, मतलब यक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू पाई बाई 2 और लेस देन आर इक्वल टू पाई, हाँ यक्स बटे 2 ज्ञात करेंगे तो यक्स बटे 2 कितना हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 4 है ना, 45 आ गया और ये पाई बाई 2 हो जाएगा, मतलब 90 और 45 के बीच में, मतलब ये पहले चतुर्थांश में हो गया। तो इसलिए साइन यक्स बटे 2 का मान देखिए पहले चतुर्थांश में है ना, 45 और 90 के बीच में आ गया तो पहले चतुर्थांश में हो गया, तो साइन एक्स का मान प्लस में रहेगा। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर 8 प्लस 2 करनी 15 बटे ये 4, ठीक ना, तो ये प्लस में हो गया। इसी प्रकार अगर हम कॉस का मान ज्ञात करें कॉस एक्स बाई 2 का, तो प्लस माइनस करनी में 1 प्लस कॉस एक्स बटे 2 आता है, ठीक ना, जैसे यहाँ पर है 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2 होता है, बस यही फर्क होता है इसमें। तो यहाँ मान रख देते हैं, तो देखिए मान रखने पर 1 देखिए क्या है इसका कॉस एक्स का मान माइनस करनी 15 बटे 4, ठीक ना, अब बटे ये 2 हो गया तो ये जाएगा प्लस माइनस, देखिए प्लस क्या है पहले दूसरे ये क्या दूसरे पहले चतुर्थांश में, तो कॉस का भी मान प्लस में ही रहेगा तो ये प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे प्लस रखिए तो जगह माइनस ही हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस तो 4 एकम 4 4 माइनस करनी 15 बटे 8। तो देखिए जैसे इसका हमने हल किया है इस वाले का, बस माइनस ही है वहाँ, माइनस यहाँ प्लस है, तो इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा करनी में 8 प्लस 2 सॉरी माइनस में हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2 करनी 5 बटे ये 4 हो जाएगा, ठीक ना, तो ये कॉस एक्स बाई 2 का भी मान आ गया।
ठीक ना, सेम प्रोसेस इस तरह फॉलो होगा। और देखिए यहाँ बस माइनस में हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स बाई टू भी आ गया। और टेन एक्स बाई टू ज्ञात करना हो तो देखिए टेन एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस होता है। तो चलिए यहीं लिख देते हैं, इसको मिटा के लिख देते हैं, है ना, साफ साफ हो जाएगा। टेन एक्स बाई टू बराबर कॉस, सॉरी साइन एक्स बाई टू बटे कॉस एक्स बाई टू। तो साइन और कॉस का मान रख देते हैं, तो साइन का मान ये रखा है, देखिए ये है करनी में आठ प्लस दो करनी पंद्रह बटे चार, ठीक ना, और मेन बटा ये है, और कॉस का मान करनी में आठ माइनस दो करनी पंद्रह बटे ये चार। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और ये एक करनी में लिख सकते हैं, देखिए एक करनी में लिखेंगे तो जरा एट प्लस टू करनी पंद्रह बटे एट माइनस टू करनी पंद्रह। अब इसमें से टू टू कॉमन निकाल लेंगे तो जगह फोर प्लस करनी पंद्रह बटे फोर प्लस करनी पंद्रह, ठीक ना। तो चाहे इतना चाहे इसका परिमेयकरण कर लेते हैं, तो देखिए इसका परिमेयकरण करेंगे तो जाएगा फोर माइनस करनी पंद्रह बटे फोर माइनस करनी पंद्रह। तो देखिए देखिए प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसके उल्टे के संग परिमेयकरण करेंगे तो देखिए सेम चीज़ है, ठीक ना। तो सेम चीज़ है तो इसमें से ये करनी में से हट जाएगा, देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है फोर प्लस करनी पंद्रह और फोर प्लस करनी पंद्रह, ठीक ना, एक करनी में लगाकर। और इसको लिखेंगे तो जगह फोर माइनस करनी पंद्रह और ये जगह फोर प्लस करनी पंद्रह, ठीक ना। तो देखिए करनी सेम चीज़ लिखा है, करनी में है तो ये करनी में से बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको यहाँ फिर लिख देते हैं, देखिए जगह कम है इसमें तो ये हो जाएगा फोर प्लस करनी पंद्रह, ठीक ना, दो बार है तो एक में बाहर निकल जाएगा। और नीचे जाएगा करनी में चार का स्क्वायर माइनस करनी पंद्रह का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा चार प्लस करनी पंद्रह बटे चार चौक सोलह माइनस पंद्रह, तो ये एक हो जाएगा, तो ये जाएगा चार प्लस करनी पंद्रह। तो इस प्रकार ये टेन एक्स बाई टू का प्राप्त हो गया, और ये साइन एक्स बाई टू का था, ठीक ना, ये कॉस एक्स बाई टू का था, और ये टेन एक्स बाई टू का था। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।